हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही प्यारी सी टेसल, तो उसको आप लटकन भी बोल सकते हैं या फिर आप उसका कीरिंग भी बना सकते हैं। तो ये साड़ी के पल्लू पे, दुपट्टे पे ये बहुत ही प्यारी लगने वाली है। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए कुछ मोती ले लिए हैं और ये ऊन। Thank you.
पहले हम ऐसे और फिर इसके अंदर ये डालेंगे और फिर ये इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर ये वाला लास्ट वाला डालेंगे, तो लास्ट वाला हम इसके अंदर से डालेंगे। ठीक है, और फिर ये इसके अंदर डालेंगे। और फिर ये इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। और फिर इस तरह से हम ये देखें, ये इस तरह बन गया। ये देखिए, तो अब हम सिलाई लगाएंगे और इस साइड, तो इस इधर लगाएंगे तो इस कलर से लगाएंगे और इधर लगाएंगे तो इस वाले कलर से लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस साइड हम सिलाई लगाएंगे इसमें, तो इस वाले धागे से लगाएंगे। तो ये जो दिख रहे हैं इन्हें हमें इसमें सिल लेना है, तो इस तरह से सिलेंगे किनार से ऐसे। तो ये इसके साथ ही सिल लेना है ताकि इधर उधर ना जाए, हल्का हल्का। फिर हम ये जो धागा है इधर लाएंगे ऐसे, इस पे नहीं सिलना है हमें, फिर यहां से सिलना है। तो ये देखें, इस तरह से हमें ये सिलाई मारनी है। तो इस सिलाई को हम इधर तक यहां तक ले आएंगे सिलते हुए, इसी तरह से। तो यहां तक सिल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस साइड में यहां तक सिल दिया है। अब इस वाले धागे से यहां तक फिर से सिलना है, तो अब इसको हम यहां से सिलेंगे। ये देखिए, और इसको सिल लेना है इसके साथ में ही। ठीक, इसके साथ में ले लेना है इसे, ताकि ये अच्छे से फंस जाए। तो इसे भी सिलते हुए हमें यहां तक लाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर इसको हमें नहीं सिलना है, इसके अंदर से लाकर और फिर यहां से सिलेंगे। तो ये वाला यहां तक सिल लेते हैं, फिर दिखाएंगे। तो देखिए मैंने यहां तक सिल लिया, ये यहां तक। अब इसको मैं पक्का कर लेती हूँ। धागे से पक्का कर देते हैं इसे अच्छे से, और ये धागा अंदर ही कर देते हैं।
तो ये थोड़ा सा खुला रहने दिया है मैंने, इसमें कॉटन भरूंगी मैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये भरेंगे कॉटन, तो इस तरह करके कॉटन को थोड़ा थोड़ा भर लेना है इसमें। क्रोशिया की मदद से इस तरह से इसके अंदर चारों तरफ भर लेते हैं। तो देखिए इसमें मैंने अच्छे से भर ली है कॉटन, काफ़ी टाइट हो गया। अब इसको भी हम यहाँ तक सिल देते हैं इस तरह से। तो पूरा बंद कर देते हैं अब इसे हम यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड ये मैंने अच्छे से सिल दिया है, ये इसकी शेप आई है हार्ट, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अब यहाँ हम ये देखिए ये जो धागा है इतना ही बड़ा धागा और लगाएंगे, तो इसमें हम इतना ही बड़ा धागा और जोड़ देते हैं इसके अंदर से लेकर। अच्छे से पक्का करके तो ये दो धागे हैं। अब दोनों में हम मोती डालेंगे पहले, ये देखिए। तो पहले हम दोनों में पहले ये वाला मोती डालेंगे, फिर ये। तो ये हम मोती पिरो लेते हैं पहले इसमें। तो देखिए मैंने ये मोती डाल दिए, तो एक बड़ा मोती डाला है। अब ये डोरी बनाएंगे हम, तो वैसे तो डोरी की वीडियो मेरी डली हुई है इसकी। चैनल पे जाके आप मेरे देख सकते हैं इस तरह से, ऐसे डालेंगे। फंदा लगाते हुए स्टोरी को बनाना है, ऐसे फंदा लगाया। तो ये बना लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड मैंने मोती लगा लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ तक डोरी बनाई है, तो इसको हम अब ये धागों को दोनों को हमने सुई में डाला है और इस तरह निकालेंगे मोतियों के साथ। तो इसको इस तरह निकालना, ये देखिए। तो इस तरह निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा और यहाँ हम पक्का कर देंगे। तो यहाँ हम पक्का कर देते हैं, पक्का करने के बाद इस धागे को अंदर करेंगे। और फिर धागा कट कर देती हूँ। ये देखिए, तो इसी तरह हम यहाँ लगाएंगे। आपकी मर्जी है, आप नहीं लगाना चाहते हैं तो ना लगाएं, मैं यहाँ रेशम लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से हमें करना है। तो इसमें भी हम मोती पिरोएंगे,
तो रेशम से मैंने ये कुछ इस तरह की टसल बना रखी है, तो उसे लगाना है मुझे। तो आपकी मर्जी है, आप कितनी बड़ी भी बनाकर लगा सकती हैं इस तरह। फिर दोबारा से हम मोतियों में नीडल्स डालेंगे ऐसे। तो मेरे पास यही रेशम थी तो मैंने यही लगा दी है, आप जो भी कलर पसंद करें वो लगा सकते हैं। अब इसको हम पक्का कर देते हैं। तो इसको पक्का कर देते हैं फंदा लगाकर। धागे को हम अंदर ले जाके कट करेंगे ऐसे। तो पक्का करने के बाद धागा हम यहां लाकर कट कर देंगे, थोड़ा ऐसे करेंगे तो ये खुद ही अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारी सी टैसल बनकर तैयार है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले।